Hello everyone, today my video goes to class 7 and topic is nutrition in animal. यानि कि जंतुओं में nutrition कैसे होता है हम इसे देखते हैं. इसके लिए मैंने एक diagram बना रखा है, आप देख रहे हो. This is our digestive system. तो सबसे पहले बच्चे ये mouth या इसे हम buccal cavity के नाम से जानते हैं, ये जो है कि मुंह से हम लोग खाना खाते हैं और ये फूड पाइप यानी कि इसोफेगस से होते हुए ये फूड पाइप यानी कि इसोफेगस इसे कहते हैं, इससे होते हुए स्टमक में और स्टमक से होते हुए जो है कि ये भोजन जो है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के द्वारा जो है कि ये हमारे बॉडी से आउट हो जाता है. द प्रोसेस यानी कि यहाँ से फूड पाइप से लेकर के और ये एनस तक का जो सफर है भोजन का, जो जर्नी है फूड का, हम इस पूरे एपरेटस को, पूरे अंग तंत्र को, पूरे जो है कि ऑर्गन सिस्टम को एलिमेंट्री केनाल के नाम से जानते हैं. एलिमेंट्री केनाल के नाम से जानते हैं यानी कि पूरे सिस्टम को हम एलिमेंट्री केनाल के नाम से जानते हैं. आखिर ये होता कैसे है? तो देयर आर फाइव स्टेप्स फाउंड इन न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स. सबसे पहला जो है इंगेशन. इंगेशन, अब ये इंगेशन क्या है? ईटिंग ऑफ फूड, ईटिंग ऑफ फूड इज नोन एज इंगेशन. भोजन का खाना, यानी इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट टेकन फूड इनसाइड द बॉडी, टेकन फूड इनसाइड द बॉडी नोन एज इंगेशन. भोजन को अपने बॉडी के भीतर करना यानी खाना, किसी भी भोजन करना जो है कि भोजन को बॉडी के भीतर डालना जो है इंगेशन कहलाता है. अब तो ये बात हो गई. दूसरा स्टेप है बच्चों डाइजेशन. अब ये डाइजेशन को देख लेते हैं थोड़ा सा. डाइजेशन क्या है? जब हम भोजन करते हैं तो देयर आर लार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ऑफ फूड. देयर आर लार्ज इनसॉल्युबल यानी कि बड़े, और इनसॉल्युबल का मतलब अघुलनशील पार्टिकल्स जो होते हैं ना भोजन के, ये प्रेजेंट होते हैं. तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं लार्ज इनसॉल्युबल ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल पार्टिकल्स ऑफ फूड. ये तोड़ दिए जाते हैं छोटे और घुलनशील पदार्थों में. दिस इज नोन एज डाइजेशन. इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन के नाम से जानते हैं. तीसरा पॉइंट है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या है? जैसे ही फूड का डाइजेशन हमारे इस स्टमक में होता है, इस स्टमक में जैसे ही फूड का डाइजेशन होता है, ये फूड आगे बढ़ता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है क्या होता है, आपकी बहुत इस प्रकार की संरचनाएं निकली रहती हैं. उंगली के प्रोजेक्शन लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है कि इसके इनर वॉल से, भीतरी वॉल से जो है कि ये निकली रहती है, जिसे हम लोग विलाई के नाम से जानते हैं. दे एक्चुअल डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, ये जो है कि डाइजेस्टेड फूड को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है. द विलाई एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. कहाँ ये एब्जॉर्प्शन होता है? तो एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू विलाई व्हिच एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड एंड सेंड टू ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है. यही इसका काम है स्मॉल इंटेस्टाइन का. चौथा पॉइंट क्या आता है? फोर्थ पॉइंट इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन, तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है कैरीड बाय ब्लड स्ट्रीम एंड सेंड टू ऑल द बॉडी सेल्स, और शरीर में जितनी भी सेल्स हैं
उन सेल्स को जो है कि ये फूड जो है दे दिया जाता है, क्यों? गेटिंग एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। और ये एनर्जी जो है किस लिए यूज की जाती है? फॉर डूइंग एनी टाइप ऑफ फिजिकल वर्क्स, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू डैमेज सेल एक्सेट्रा। कंफर्म ना? ये एसिमिलेशन में क्या होता है कि ये डाइजेस्टेड फूड जो होता है शरीर के सभी सेल्स को, बॉडी के सभी सेल्स को ये पहुंचा दिया जाता है डाइजेस्टेड फूड। और ये सेल्स क्या करती हैं कि इन्हें जो है तोड़ करके, इस फूड को तोड़ देती हैं, किसमें? एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। और ये एनर्जी जो है ग्रोथ के लिए, तमाम जो हमारे सेल्स की बहुत काफ़ी डैमेज कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत के लिए, रिपेयरिंग के लिए एंड डूइंग फिजिकल वर्क्स के लिए। लास्ट फिफ्थ ऑप्शन हमारा है इरिगेशन। इरिगेशन इस प्रोसेस में अब जो है क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड तो जो है क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड जो है कि वो तो चला गया बॉडी सेल्स के पास, लेकिन अब जो बचा है अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम बॉडी थ्रू एनस। इस एनस के जरिए जो है ये हमारे बॉडी से आउट हो जाता है। तो बच्चों ये जो है कि 5 points जो है एनिमल में न्यूट्रिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देयर 5 points आर रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, अब बारीकी से देखेंगे, एक एक को देखेंगे अगर हम लोग, तो सबसे फर्स्ट में क्या मिलता है हमें कि माउथ। हम फूड को कहाँ रखते हैं? तो अपने माउथ में ही फूड को रखेंगे। तो माउथ और बकल कैविटी कंटेन्स टंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है ना? हमारा माउथ जो है होता है ये कंटेन होता है टंग, टीथ और सैलिवरी ग्लैंड्स। ये 3 चीजें मिलती हैं। टंग का क्या काम है भाई? टंग का काम है ये फूड को मिक्स करता है, फूड को मिक्स करता है किसके साथ? विथ सैलिवा, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवा सेक्रेट करती है और ये सैलिवा जो है फूड के साथ मिक्स हो जाती है, जो फूड को क्या बना देती है? स्लीपरी बना देती है, इजी टू स्वालो, निगलने में आसानी होती है। कंफर्म ना? दूसरी बात, टंग क्या करता है? देयर आर सो मेनी टेस्ट ग्लैंड्स या टेस्ट बड ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो हमें एहसास कराती हैं कि फूड का टेस्ट कैसा होता है। क्लियर? टीथ का काम आप सभी लोग जानते हैं, टीथ का काम आप सभी लोग जानते हैं कि ये टीथ जो है फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है, काट देती है। ये 4 प्रकार की होती हैं, टीथ जो है 4 प्रकार की होती हैं, इनसीजर, इनसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर्स। टीथ हमारे 4 प्रकार की होते हैं। देयर आर 4 types ऑफ टीथ, इनसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर्स। देयर आर 8 incisor। ये आगे के जो 4 दांत हमें जो दिख रहे हैं ना, तो 4 upper jaw में और 4 lower jaw में, 4 4 8 जो हो जाते हैं ये इनसीजर हैं। यानी कि देयर आर 8 incisor। कैनिन्स, ये जो नुकीले नुकीले जो दांत दिख रहा है, नुकीले दांत, इनका काम है टीयरिंग, यानी कि चीरना। तो ये 2 upper jaw में और 2 lower jaw में, यानी कि ये 4 हैं। क्लियर है? प्रीमोलर, इसके बाद प्रीमोलर आते हैं, यहाँ ग्राइंडिंग होती है फूड की, चेमिंग होती है फूड की। क्लियर है ना? ये
ये कितने होते हैं? 12। क्लियर है, ये 12 होते हैं। और ये कितने होते हैं? मोलर्स कितने होते हैं? मोलर्स बाकी कितना बच रहा है? 12, 8, 20, ये भी 8 होते हैं, ये भी 8 होते हैं, कंफर्म है। जोड़ लीजिए 32 हो रहे हैं और ये हमारे 32 टीथ होते हैं। वन सेकेंड, ये 12 जो है मोलर्स होते हैं और ये 8 होते हैं। प्री मोलर्स 8 होते हैं, मोलर्स 12 होते हैं, और इस प्रकार से टोटल 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है थोड़ा सैलिवरी ग्लैंड की भी कर लेते हैं। सैलिवरी ग्लैंड जो है, सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट सैलिवा, ये सैलिवा मतलब लार, ये लार ग्रंथि है। सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट सैलिवा विच मिक्स विथ आवर फूड एंड हेल्प इन स्वालोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।